मैं कुलबीर सिंह ढिल्लों स्टेट मीडिया क्लब चेयरमैन अमृतसर ते समूह साडी जथेबंदी दे नुमाइंदे बैठे आ। अज एक मीटिंग की गई आ, मनजीत सिंह पत्रकार ने साडी यूनियन दे ते नाले अखबार नवा जमाना दे पत्रकार आ, उन्हां दा एक मसला आ, उन्हां दे घर दे नाल बिल्कुल एक सूरां दा फार्म बनाया गया, उहदे विच पोल्यूशन विभाग तो लैके डीसी साहब ने भी आर्डर किए आ भी ये जिहड़ा गैर कानूनी आ ते इहनूं इत्थों हटाया जावे, इहते बंदी कारवाई की जावे। तो बड़े अफसोस नाल मैनूं कहना पै रिहा कि मौजूदा विधायक कांग्रेस का जिहड़ा डैनी आ उहदे कोल भी साडा पत्रकार साथी गया आ, उहने भी गोंगलुआं तों मिट्टी झाड़ी आ। सानूं पता लगा भी जिहड़ा सूरां दा फार्म जिस बंदे दा, उह डैनी साहब दे बड़ा खास आ। ते गल मसला यह आ भी इहदा मतलब फिर इह लीडर करा रहे जे पत्रकार फिर सड़कां ते उतरदे आ ते इह चीकदे आ भी पत्रकार सड़कां ते क्यों उतरे आ, ते असीं अपने पत्रकार नूं न्याय दिवाउणा चाहुंदे आ ते प्रशासन नूं मंग करदे आ कि जे 10 दिनां दे विच सूरां दा फार्म ना चुक्या गया ते उहदे मालक ते कारवाई ना कीती गई, मौजूदा विधायक डीसी SSP दिहाती जिहड़े भी इहदे विच हुंदे ने उहनां दा अहीं पंजाब लैवल ते एक धरना लावांगे, धरने विच विधायक मौजूदा दा भी पुतला फूकांगे ते SSP साहब दा भी फूकांगे, ते जे लोड़ पई ते अणमिथे समें लई धरना भी लावांगे, ते जे साना इहते भी गल बणी ते फिर अहीं मानयोग हाई कोर्ट दे विच नाल डीसी विधायक नूं ते नाल ही बनते संबंधित विभागां नूं अहीं हाई कोर्ट दे विच वी खड़ांगे। इहदी जिम्मेवारी मौजूदा विधायक डीसी दी ते मौजूदा जिहड़े अफसर ने उहनां दी वी होएगी, क्योंकि इह अक के फैसला लैणा पिया एक पत्रकार जिहड़ा दुनिया दा चौथा थंम आ जिहने हर एक आवाज़ नूं उठाउणा हुंदा आ, ते सरकार कहिंदी आ वी पत्रकार बड़े नज़दीकी आ, हर महकमा कहिंदा कि पत्रकार दा ते साडा 9 मास दा रिश्ता आ। तो मैं एक गल कहनी चाहवागा कि जे 9 नालों भी मास अलग करो तो भी पीड़ होनी है, तो पीड़ बड़ी हो रही है, इस करके असी चाहते हाँ भी यदा मसला हल किया जाए। जे 10 दिनों के प्रशासन ने कोई मसला हल ना किया तो मेरी समुची टीम तो पूरी पंजाब की टीम को लैके नाल जड़िया होर भी धार्मिक तो समाजिक जथेबंदियां उन्हों का भी साथ लैके एक जड़ा DC साहब के खिलाफ जिहड़ा मौजूदा विधायक आ इहदे खिलाफ अहीं धरना लावांगे, ते धरना भी इहदी कोठीगाड़ी लावांगे, ते लोकां नूं भी पता लगे भी इह किहो जिहे काम करदे आ, ते इक पत्रकार नूं जे इंसाफ नहीं मिल सकदा ते आम आदमी नूं इंसाफ कित्थे मिलदा होगा। मैं कैप्टन साहब तों पुछणा चाहुंदा भी तेरे विधायक एक पत्रकार नूं इंसाफ नहीं दे सकदे ते पंजाब दे विच किहनूं इंसाफ तेरे विधायक देंदे जां तेरी सरकार देंदी आ, इह सानूं दस। नाल नाल इन्हां दा जिहड़ा बाईकाट भी करांगे असीं पत्रकार, DC साहब दीआं जिथे मीटिंगां होणगीआं साडी पंजाब दी पूरी जथेबंदी स्टेट मीडिया क्लब दे जिन्ने पत्रकार होणगे इन्हां दी हर रैली दा बाईकाट करांगे ते हर रैली ते इन्हां दे जिहड़े असीं कालीआं झंडियां नाल इन्हां दा स्वागत करांगे। इह जिहड़ा मसला आ 2 सालां तों लमकिआ पिआ आ, ते बड़े अफसोस नाल मैनूं कहिणा पै रिहा वी किसे वी जथेबंदी ने मनजीत सिंह दी बाणी फड़ी, सारे लारे लाउंदे आए आ, ते अज स्टेट मीडिया क्लब जिहड़ा इस मीटिंग दे उत्ते आखरी फैसला इहो लै रिहा भी असीं DC विधायक मौजूदा कांग्रसी ते पुलिस प्रशासन ते इहदे नाल संबंधित SDM जिहड़ा दबाव दे विच आ के सूरां दे फार्म दे मालक ते कारवाई नहीं कर रिहा, क्योंकि कानून कहिंदा आ कि किसे घर दे विच घर दे नाल असीं कोई भी फार्म नहीं बना सकते, चाहे वह मझां दा चाहे वह कोई भी आ, क्योंकि उहदे विच सारिआं नूं दिक्कत आउंदी आ रिहायशी थावां दे विच जिहड़ीआं इह चीज़ां नहीं बन सकदियां। ते पर इह आ भी विधायक दी शह दे उत्ते जिहड़ा सारा काम होया ते विधायक दे खिलाफ़ ही असीं इह जिहड़े पुतले फूकांगे ते नाल ही प्रशासन दे खिलाफ़ जे 10 दिनां दे विच विच प्रशासन ने बनती कार्रवाई करके सूरां दा फार्म ना चुकिया तां ही
अपने मजबूर होवांगे। इहदे जिम्मेवार संबंधित कांग्रसी विधायक डीसी होवेगा।